हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरबिया में मौजूद हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में चार टॉपिक को कवर करेंगे। न्यू वीज़ा के हवाले से बात बताऊंगा मैं, और इंडिया में अगर आप RT-PCR कराते हैं तो क्या एयरपोर्ट पे ही कराना पड़ेगा या किसी अदर सिटी में या अपने ही सिटी में आपको कराना पड़ेगा। तो इंडिया के हर सिटी में दोस्तों PCR टेस्ट मौजूद है, वहाँ आप करवा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगा दोस्तों कि जॉब इस वक्त जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है और नए वीज़े कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और जिन जो बंदे को कुछ नहीं आता है क्या वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें वरना आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बातें वीडियो की लास्ट में, कुछ बातें पहले और कुछ बातें वीडियो के बीच में बताई जाती है और आप लोग स्किप करके चले जाते हैं। वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ न्यू वीज़ा के हवाले से। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब तक फ़्लाइट बंद था तब तक फ़्लाइट के मुद्दे चल रही थी, लेकिन अब फ़्लाइट बिल्कुल भी बंद नहीं है और फ़्लाइट ओपन है। एयर बबल एग्रीमेंट के माध्यम से फ़्लाइट चल रही है, ये बात आपको पता होगा और ये बात आप न्यूज़ पे सुनते होंगे एवरीडे। लेकिन अब मसला ये बन चुका कि इंडिया में इस वक्त ना जाने कितने ऐसे बंदे हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं और उन्हें जॉब की तलाश है, तो वो कहाँ से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भाई को ऑफिस का पता नहीं होता। दोस्तों आप जिस भी सिटी से हैं, कोलकाता से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, या यूपी से हैं, या बिहार से हैं, या झारखंड से, या छत्तीसगढ़, किसी भी सिटी से, दोस्तों इस वक्त सारे सिटी में न्यू वीज़ा अवेलेबल है। हाँ, मुझे वो बंदे लोग मैसेज कर सकते हैं जिनको मैं सऊदी अरबिया आने तक हेल्प कर सकता हूँ। कोलकाता, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बंदे अगर हैं तो आप मुझसे ज़्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन अगर अदर सिटी के बंदे लोग हैं तो मैं उनको ये बता सकता हूँ कि कहाँ पे जॉब अवेलेबल है और कहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो ट्राई करें क्रू लाइन में। क्रू लाइन मतलब रेस्टोरेंट लाइन का क्रू में ट्राई करें, आपको 100% हायर कर लिया जाएगा। और आपको कुछ भी नहीं आता इंडिया में फिर भी आप सऊदी अरबिया में आकर 25,000 कमाने लगेंगे, मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूँ। अगर इससे ताल्लुक से कुछ बातें पूछनी हो तो पूरी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक हॉस्पिटलिटी लाइन से जुड़ा हुआ है, एक होटल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो जो बिल्कुल फ्रेशर है जिनको कुछ भी नहीं आता और जो काम ही नहीं किए हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इस वक्त जो सऊदी अरबिया आ रहे हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ती है PCR टेस्ट करवाने की, तो इस वक्त आप PCR टेस्ट कहाँ करवाएंगे, अगर ये आपको जानकारी लेनी है तो मैं एक लिस्ट निकाल कर रखा हूँ, वो मुझे PDF फाइल में बना हुआ है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर मिलेगा। अगर आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं या दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन जाना चाहते हैं तो जाने से पहले PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बंदे को पता नहीं होता कि कहाँ पर करवाना है। तो आपको कहाँ पे करवाना है आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करें, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दें, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर ले लें और वहाँ पे आप जाकर WhatsApp में हमारा मैसेज करें, तो मैं आपको वहाँ पे वो पूरा PDF फाइल का लिस्ट भेज दूंगा, तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल आसानी से PCR टेस्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। और किसी तरह की बातें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।